एक्साइटेड भी हैं और हम लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुशी फील हो रही है स्पेशली इस ईद पे। अच्छा, तो बड़े मजे मजे के खाने खाए होंगे सर? हाँ, खाने तो बहुत ज्यादा बन रहे हैं, दावतें भी बहुत ज्यादा हो रही हैं, लोग बोल रहे हैं हमारी यहाँ लंच खेल रहे हैं, हमारे यहाँ डिनर खेल रहे हैं, सबको। तो अब ये जो महीना तुम आए हो सारे जीत के जबरदस्त परफॉर्मेंस दे के, क्या अगला महीना खानों पर नजर रखो क्या खा रहे हो? कि जो मर्जी खाई जाओगे पता लगे इतने इतने होके वापस जा रहे हो। नहीं वसीम भाई, कोच ने बहुत टाइट रखा हुआ है। अच्छा? तो खाते लड़के एहतियात करेंगे, लड़के एहतियात करेंगे। अच्छा शादाब, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको वेस्ट इंडीज गए आप पहले, पिक तो है जबरदस्त पिक हुआ, परफॉर्मेंस दी T20 में, वनडे में थोड़ा स्ट्रगल किया, कम बैक किया, टेस्ट मैच में भी आपने अच्छा शुरू में स्ट्रगल किया फिर कम बैक किया। जब इंग्लैंड पहुंचे तो कैसा फील हो रहा था चैंपियंस ट्रॉफी? इंग्लैंड में क्रिकेट काफी डिफरेंट होती है, इट्स मोर फन। जी, इससे पिछले साल भी मैं जो फर्स्ट क्लास उधर में डेब्यू हुआ, वनडे भी खेला था, तो उधर से काफी एक्सपीरियंस मिला था। तो इस साल मैं जब इंग्लैंड पहुंचा तो मेरे माइंड में यही था कि जो पाकिस्तान के लिए मैं कुछ कर सकता हूं तो वो करूं और इधर से कुछ ना कुछ सीख के। पिछले साल तो ए टीम के साथ खेले ना आप, तो ए टीम में और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान टीम का बड़ा डिफरेंट फर्क होता है। जी, फर्क तो ज्यादा है, टेंशन, यू नो, फैसिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन, और जो आपको फैंस से टेंशन मिलती है। जी, इतने ज्यादा स्टार्टिंग में फैंस तो नहीं थे। अच्छा, देखिए। और अच्छा, वैसे एक बात नोट करें, कितने प्यार से बात कर रहे हैं। जी बस मैं तो ऐसे वैसे, और वहाँ जो बेड़ा गर्क करते हैं ये लोग प्लेयर्स का, दूसरी टीम्स के, उस वक्त नहीं आप लोग इतनी मासूमियत से बात करते हैं। नहीं, ग्राउंड में और सीन होता है। हाँ, तो ये इसको ग्राउंड तो नया नया है ना, सभी देखते हैं। फिर उसके बाद जब ये आगे बढ़ेंगे तो फिर ये इस तरह से बात करेंगे जैसे अब वसीम भाई लोगों का बेड़ा। बिल्कुल। फिर आप गए, पहली दफा गए इंग्लैंड पाकिस्तान टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी, कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस? विनिंग तो हम बाद में आएंगे, कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस था? यू नो, पूरी अटेंशन मीडिया की, पाकिस्तान की, एंजॉय किया? जी बिल्कुल, बहुत एंजॉय किया। पहली दफा इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहा था, टूर तो मैं कर चुका था वेस्ट इंडीज का भी, एक के साथ भी काफी टूर किए थे, लेकिन ये बड़ा स्पेशल टूर था क्योंकि एक तो टीम भी परफॉर्मेंस अच्छा कर रही थी, ऊपर से फिर मेरी भी परफॉर्मेंस थी, और जो वहाँ के क्राउड से सपोर्ट हमें मिल रहा था तो ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि हम किसी और मुल्क में खेल रहे हैं। क्योंकि जब हमारा यूके इंग्लैंड से सेमीफाइनल हुआ था उसमें ऑलमोस्ट 80% क्राउड हमारा ही था। बिल्कुल, तो वहाँ फील ही नहीं हो रहा था कि हम इंग्लैंड वालों ने कंप्लेन की है बड़ी सोशल मीडिया पे कि लग रहा था कि पिच भी पाकिस्तान से आई है, लोग भी पाकिस्तान से। कोहली के साथ हुआ है वो, तो फिर उसकी वीडियोस तो आई रही कि जो बेचारा खड़ा हुआ था तो पीछे से किसी ने आवाज लगाई कोहली नहीं होगा तो उससे। तो रमान, आप पहला मैच जब खेले, बिग गेम, यू नो, आप इंजर बॉलर हुआ, फिर आप गए, आपका एक दो दफा टूर का जो अनफॉर्चुनेटली आप इंजर भी हो गए थे, लास्ट PSL जब हुई थी पहली, तब भी आप एशिया कप में जाने से पहले बीमार हो गए थे। तो पहला मैच जब आपको इंग्लैंड के खिलाफ, बिग मैच, कैसा आपने नाइट बिफोर फील किया? जी वसीम भाई, जैसे आपने बताया कि मेरा पहले भी नाम आया था। हाँ। और मैं अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया था, लेकिन इस दफ़ा जब मुझे मौका मिला और मुझे पता चला कि मैं खेल रहा हूँ तो नाइट बिफोर मैंने यही प्लान किया हुआ था कि सिर्फ अपने गेम पे फोकस करना है, जो अंदर मुझे एबिलिटी है मेरे अंदर मैंने वही डिलीवर करनी है, और जो कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने, कोच ने जो मुझे प्लान दिया था मैंने वही प्लान डिलीवर किया, तो अलहमदिल्ला बड़ा अच्छा रहा मेरा। नहीं, बोल रहे तो मां, तुम तो अब एक सीनियर प्लेयर हो गए मोर और लेस, पाकिस्तान टीम में काफ़ी अरसे से खेल रहे हो, सो ओवरऑल हाउ इट फील्स टू बी अ चैंपियन? आई थिंक सबसे पहले ईद मुबारक आप लोगों को। ईद मुबारक, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और मेरी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आवर नेशन नीडेड दैट विक्ट्री, टू बी ऑनेस्ट, हमें खुशी देनी चाहिए थी अपनी नेशन को, हमने दी, और हम बहुत लकी हैं कि हम इस टीम का हिस्सा हैं जिन्होंने पूरी नेशन को खुश किया है, और आई थिंक इट्स फैंटेस्टिक। स्टिल वी कांट बिलीव बिकॉज हम वहाँ जब थे तो हमें रिसेप्शन उस तरह नहीं मिला जब हम पाकिस्तान आए। इट्स एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड द टीम इज लकी, पाकिस्तानी कॉम लकी है। हम यहाँ ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले हमने देखी इतनी मजे मजे की सीरियस बातें की हैं, लेकिन अब आप यकीन माने वसीम भाई एंड ऑल दीज प्लेयर्स, इसके बाद यहाँ पे कोई सीरियस बात नहीं होगी। इसके बाद ये लोग नहीं कह सकते जी बड़ा अच्छा लगा, जी आप सबका बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। नो, वी हैव अमेजिंग सेगमेंट्स, वी हैव गेम्स, हम इनसे वो सारे सवाल पूछने लगे हैं जो आज तक किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की है, और मैं भी आज हिम्मत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हैं, और अगर कुछ हुआ तो ये मुझे बचा लेंगे। सो वी आर टेकिंग अ ब्रेक, देन वी हैव अ लॉट ऑफ सेगमेंट्स, यहाँ एक सरफराज नहीं बहुत सारे सरफराज होंगे, कैसे ये भी आपको दिखाएंगे, और यहाँ पर एक
गेस्ट आ रहे हैं जो इन सब का बहुत बुरा हाल करने वाले हैं. उस गेस्ट से भी हम आपको मिलवाएंगे. सो टेक अ ब्रेक एंड कम बैक विद अस. कहीं नहीं जाना, रिमोट को हाथ भी नहीं लगाना, दूर रख दें. एंड ईद मुबारक. वेलकम बैक टू चैंपियंस की ईद. मजे मजे की बातें. और जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेक से पहले हो गई सारी सीरियस बातें, वो एक फॉर्मेलिटी थी जो हमने पूरी करनी थी. अब इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है और मेरा साथ देंगे इसमें वसीम भाई. तो अगर किसी को बुरा भी लग रहा है तो बुरा लगता रहे, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. सो वील स्टार्ट. हम पूछेंगे अपने प्लेयर से वसीम भाई के कोई एक ऐसी चीज जो चैंपियंस ट्रॉफी में कोई मजेदार चीज, कोई फैन के साथ इंटरेक्शन या कोई किसी इंडियन प्लेयर के साथ इंटरेक्शन जो हुआ. इमाद, आपका कोई ऐसी चीज? आई थिंक जो सबसे फनी स्टोरी है फखर की सुनाना चाहूंगा मैं. इंग्लैंड के खिलाफ मैच हो रहा, वसीम भाई कार्डिफ की बाउंड्री बहुत छोटी है, सामने बहुत छोटी है. तो अब मार्ट वो 90-95 करता है, तेज है वो. अब वो उसे बाउंसर मार रहा और ये भी मारी जा रहा, तो अजहर भाई को आगे क्या कहता है? कहता मैं कोशिश कर रहा हूँ टॉप एज लगे तो छक्का हो जाए. अच्छा, मिकी बार बैठा, मिकी कहते ही गॉट टू बी अ लेजेंड. टॉप एज पे छक्का मार, टॉप एज पे. यस, इसके लिए स्पेशल टैलेंट रिक्वायर होता है. जबरदस्त. हम लोगों की जान पे बनी है फखर, मत मार. साइड की बाउंड्री बड़ी है, साइड की बाउंड्री बड़ी है. हम बोल रहे हैं फखर नहीं मारे, बाहर आके बोलता है सैफी भाई मैं तो टॉप एज की तैयारी कर रहा था. सैफी भाई, सैफी भाई उसी टॉप एज में इसके ग्राउंड से बाहर भी छक्का गया. हमारी जान पे बनी है, जो टॉप एज होगा पीछे चक्कर हो जाएगा. इतनी बॉलें लग चुकी है हेलमेट पे, मैंने से कहा तू ब्रांड एम्बेसडर बन जा. वहाँ की फर्स्ट टाइम जैसे विकेट एज ए बैट्स रन तो बड़े हुए हैं पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में, आपको कैसी लगी पिचेस? जी बिल्कुल वसीम भाई, वहाँ की विकेट जो नया बॉल होता है शुरू के जो 7-8 ओवर होते हैं उसमें थोड़ा बाउंस ज्यादा होता है. अच्छा, बाउंस नया बॉल जो, क्योंकि मैं जो यहाँ पे ओपन करता हूँ तो इवन बाउंस आता है. वहाँ पे यहाँ के लिहाज से थोड़ा सा स्पंजी बाउंस नहीं होता कई विकेटों पे, थोड़ा टेनिस बॉल बाउंस. कोई किसी जैसे फाइनल में हो रहा था तो फाइनल में हल्का सा सीम हो रहा था उस तरह नहीं, लेकिन उससे पिछली जो विकेटें थी वो नॉर्मल थी, इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन बाउंस थोड़ा सा ज्यादा होता है. ओके. रोमान, कोई ऐसी चीज किसी फैन से इंटरेक्शन? यार रोमान की खूबसूरती के पीछे जो खवातीन पागल हुई हैं ना, मतलब कैसे रोकें, क्या करें? इस शो से पहले जिन जिन मेरी दोस्तों को पता चला कि रोमान आ रहे हैं, ये नहीं रोके रहा, आप नहीं रोकेंगे, इसकी मंगेतर रोक लेंगे. ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी इस शो में. सबको पता था, आपको पता था. आज की खबर, रोमान रईस ने बहुत सारी लड़कियों का जियो की इस चैंपियंस की ईद में दिल तोड़ दिया है, क्योंकि रोमान की मंगनी हुई भी है. लेकिन हम फिर भी बताएं कि कौन कौन अवेलेबल है. ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है बहुत अच्छे तरीके से. तो फिर आप लोग यू नो अलॉट ऑफ, इन्होंने अपने आप को अवेलेबल करवा लिया था इरादा तक कर. नेशनल टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन, दूसरों कितना जानते हैं क्वेश्चन वो हम उस पे जाएंगे. लेकिन रोमांस, कोई ऐसा इंटरेक्शन, कोई मजे की चीज? ये चैंपियंस ट्रॉफी में तो मेरा कोई इतना खास नहीं रहा, लेकिन मेरा एक मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, जो मैं पहले पीएसएल में जब मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड सेलेक्ट किया और उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो मैं मुझे नहीं पता था कि वसीम भाई, और मुझे खुद भी नहीं पता कि डाइट प्लान्स क्या होते हैं क्या नहीं होते. तो मैं चावल खा रहा था मैच से पहले. अच्छा, तो इन्होंने मुझे बिरयानी बिरयानी नहीं थी पर चावल थे. okay, और मैंने ठीक ठाक प्लेट भर के ना चावल थी काफी थी जी. तो वो मुझे इन्होंने देख लिया, उसके बाद जब मुझे डांट पड़ी तो आज तक मैंने चावल नहीं खाया. देखो ना कितने फिट लग रहे हैं. उस वक्त आपको एक बात बताऊं, उस वक्त 91 केजी पे था और अब मैं 81 पे. अरे वाह, 10 किलो वसीम अकरम ने रुमान रईस का वेट कम करा दिया. मैंने सिर्फ इनको अवेयर कराया है कि देखो दुनिया में बाकी स्पोर्ट्समैन को देखो. वो कहते हैं ना इंग्लिश में, चावल कितना हम खाते हैं, आपको ना ये शुरू करना चाहिए. इट्स अ वेरी टची सब्जेक्ट. इट इज बड़ा टची सब्जेक्ट. हम अलग से शो करते हैं, बड़ी ईद पे करेंगे ताकि खाने पे बात करें हम ज्यादा कि क्या हो रहा है. जनाब, कोई ऐसा वाकया जो वाकई भूल नहीं सकते अब आप चैंपियंस ट्रॉफी का? जी यही पहले मैच में रोहित शर्मा को बॉलिंग आ रहा था तो उसमें स्पिन नहीं हो रहा था, तो उसने इनसाइड एज हुआ, मैंने गूगली करा इनसाइड एज हुआ और सिंगल हुआ. तो रोहित सिंगल लेके मेरे पास आया तो मैंने रोहित को कहा कि मैंने कहा अगर स्पिन हो रहा होता तो मैं
तुम्हें कभी नहीं खेलने देता। मैं तुम्हें अच्छा कहा किस तरह था वो बताओ अब यहाँ के बाद। यही कहा ऐसे अगर थोड़ा सा भी स्पिन हो रहा होता तो मैं तुम्हें नहीं खेलता। कुछ नहीं हंसने लगे। फखर आपका तो किस्सा उन्होंने सुना दिया है, आपका क्या कोई ऐसा वाकया रहा चैंपियंस ट्रॉफी में? बिल्कुल, जैसे फाइनल में जब हमारी पार्टनरशिप लगी है तो कोहली और उनके दो तीन प्लेयर बहुत ज़्यादा उन्होंने बातें शुरू कर दी जिस तरह टीज करते हैं प्लेयर्स को, तो मुझे फिर फील नहीं महसूस नहीं हो रहा था कि वो लोग जब मैं 100 करूँगा तो क्यों अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जब मैंने 100 किया तो मैंने एक आंसर यू कोहली कैसे कैसे देखा, मैं यू आ रहा था तो मैं यू देख लिया, वो भी यू नीचे करके क्लैप कर रहा था। अच्छा और बाकी ने? तो बाकियों की तरफ से मैंने इतना देखा नहीं है, लेकिन वहाँ देखा तो उसने मुझे अप्रिशिएट। धोनी का दुख हुआ ऐसे? धोनी का दुख, धोनी का दुख हुआ ऐसे? उससे मैं कर रहा था एक्सपेक्ट कि ये करेगा, बोलेगा कि वेल प्लेयर, लेकिन वो। वसीम भाई आप लोगों को भी होता था इस तरह अच्छी बॉलिंग करा के कि कोई दूसरा सामने का खिलाड़ी अप्रिशिएट करे तो जरा? नॉट रियली, नॉट रियली। मेरी टीम ही अप्रिशिएट करते वो बड़ी बात है, अगले करे ना करे। ऐसी बाकी सब साउथ ने किया होगा, अप्रिशिएट करे ना करे दैट मैटर्स बड़ी। और ये अप्रिशिएशन वो तो बता दे, जब ये स्लैगिंग हुई थी बोला नो इंग्लिश नो इंग्लिश, वो इंग्लैंड के साथ मैच हो रहा था ना, तो वो लोग तो मैं ए में भी खेला हूँ तो वो लोग पहले ओवर से ऐसी बातें करते हैं, बड़ा प्लेयर को फील होता है कि मैं क्रिकेट नहीं मैं कुछ और ही कर रहा हूँ। तो अब मैं जैसे ही गया हूँ तो मैंने एक दो दफ़ा निकल भी करके मार दिया, बॉलिंग अच्छी हो रही थी, तो अब अंपायर के साथ मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ सही तरीके से, तो इतने में प्लंकट मेरे पास आया। अच्छा, तो प्लंकट ने बातें बातें सुनाई तो मैंने बोला नो इंग्लिश। तो वो एरेसनेस जो अंपायर है वो मुझे यू देके हंस पड़ा, तो जैसे ही वो प्लंकट थोड़ा दूर गया ना तो बड़ी ग्रेट आंसर। आपके वक्त में कौन ज्यादा स्लेजिंग करता था स्पेशली व्हेन इट्स इंडिया पाकिस्तान मैच? हमारे वक्त में शुरू में तो रेफरी थे नहीं ना, तो खुला होता था, तो आप लोग उर्दू में इंग्लिश में या फिर पंजाबी में? डिपेंड करता है, अगर सिद्धू है तो उसको पंजाबी में। क्या क्या स्लेजिंग? नहीं अब क्या स्लेजिंग की है पंजाब में, क्या स्लेजिंग होती है वही होती है बस, हर या स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट वे। सीनियर्स को जैसे थे सनी भाई सुनील भाई या कपिल भाई, इनको कुछ नहीं कहता, बड़े सीनियर थे ना अपनी है। हम रवि शास्त्री मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और था भी, मगर उसको मैं सबसे ज्यादा अटैक करता था। आप लोग को जो स्लेजिंग करते थे फॉर एग्जांपल इंडिया प्लेयर्स, हमें फास्ट बॉलर्स को स्लेजिंग बड़ी कम होती है, बिकॉज पता है कि बाद में बैटिंग बाद में क्या होना है, वो देख के भी स्लेज करते हैं ना फास्ट बॉलर के, इसको ओपनर को कर दूं अगर मैंने ऑलराउंडर किया ये आगे मुझे ना टोकन में होता था ना, जब जॉनसन आता था ना तो हम लोग बोलते थे इसको कुछ नहीं बोले, जब मिचेल जॉनसन आता था हम लोग जॉनसन को भी बोलते थे, सबको बोलते थे बैट्समैन को, लेकिन जॉनसन बड़ी मजेदार गेम्स है, शुरू में हम जरा हल्की गेम्स रखेंगे ताकि बच्चे डर ना जाएं, मुझसे तो सारे बड़े ही हैं फिर मैं कह रही हूँ, तो इस तरह मैंने जरा अपनी एज बताने की कोशिश की है। सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस गेम, सबसे पहली हमारी गेम है कि आप अपने टीममेट को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग, फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शादाब। क्यों शादाब, हम आपसे क्यों पूछ रहे हैं पहला सवाल, कोई आपको लगता है इसकी कोई वजह होगी? नहीं, क्योंकि आप सबसे धीमे लहजे में बोल रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं कि जरा आप में एनर्जी और आ जाए और हम देखें कि क्या करते हैं। ओके, आपसे सवाल यह है कि सरफराज की शादी किस साल में हुई? पिछले साल 2016। बड़ा ऊंची बोल रहा है, 2016 में। सरफराज, इज इट द राइट आंसर? ये अभी आया ना, इसको थोड़ा आइडिया है, आप इसको मालूम आप बताएं उसे। 2015 में सरफराज की शादी हुई, लेकिन फिर भी गुड ट्राई, गुड ट्राई। मैं क्वेश्चन फखर से पूछना है, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, कर दे चेंज कर दे। जब नो बॉल पे आउट हुआ कितना स्कोर था तेरा? 3। ओह यार, वेरी गुड, मैं बोल नहीं सकता। तेरे सवाल हो के तंग आ गए कि नो बॉल के पहले गाउट किया नो बॉल, जहां भी याद हो ना तो यही सवाल होता है। आई नो, तो मैंने एक दफा अभी किसी ने पूछा तो मैंने बोला यार एक काम कर सकते हैं, ये नो बॉल को बीच में निकाल दो। 100 किया मैंने, बिल्कुल 100 की बात करो, नो बॉल की बात नहीं, एक क्रिकेट की बात करता हूँ। तुम सब जब इंडिया ने तुझे शुरू किया बॉलिंग, वो मिडिल लेग से शुरू की है, मेरे ख्याल में वो गलत प्लॉय था।
वो जब हम लोग बाहर बैठे हुए थे ना, जब इतने स्टार्ट किया, मैंने बोला ये कर क्या रहा है, ये तो हमारे लिए अच्छा कर रहा है, यहाँ तो ही थोड़ी आउट होगा, यहाँ से तो रन बना देगा, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटेजी बना के आया था, वो हमारे लिए ऑल्दो वो एक ऑप्शन के बाद की एज लगी, वो तो अल्लाह के ऊपर से या लग थी आपकी कि नो बॉल हो गई, मगर वो फिर उसके बाद बॉलर की लाइन नहीं बनी ना, बॉलर लात से शुरू कर दे एज यू गाइस नो एज अ बॉलर, वो आपकी लाइन नहीं बनती। बिल्कुल सही कह रहे वसीम, बिल्कुल आप वसीम भाई, वो मैं लेग पे बड़ा अच्छा खेलता हूँ, मतलब हाँ। उस दिन मेरी तबीयत रात को इतनी खराब थी ना कि शुरू में अगर वो मुझे नॉर्मल करते हो सकता है पकड़ लेते, बिल्कुल, लेकिन उसमें मैं सेट हो गया, मतलब कि तबीयत खराब, बुखार था क्या था, नहीं प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस सेशन हो रहा था एक दिन पहले वाला ऑप्शनल हाँ। होता है हाँ। तो जैसे ही नीचे मैं गया हूँ तो मुझे वैसे फील हुआ कि कमजोरी थी, तो मैंने चार पाँच बॉली खेली, ज़्यादा नहीं खेली, तो मैंने मिकी को बोला कि मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं करूँगा आज, मैं जा रहा हूँ ऊपर, तो मैंने फिर वो फिजियो को बुलाया, मेजेवर को बुलाया, तो वहाँ पे मुझे ऐसे फील हो रहा था कि बस मेरे जिस्म में जान ही नहीं है, तो फिर पूरी रात वो फिजियो मेरे साथ रहा, फिर उसने टेबलेट्स दी, वो प्रोटीन वगैरह जो भी तो फ्लूइड्स जी, तो फिर रात को जाके उसने दो टेबलेट्स भी दी कि यार ये सोने से पहले ले लेना, और फिर मुझे 7 बजे सुबह आपने मैसेज करना है कि डे गेम था ऊपर से जी हाँ, तो उसने बोला कि सुबह क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी मैच में, तो आपने मुझे 7 बजे बताना कि तुम खेल सकते हो या नहीं, हालांकि मैंने उनको बोला यार मुझे मुश्किल है कि कल मैं खेलूँ, उसने बोला कि ना कप्तान को बताना है ना कोच को बताना है, सुबह 7 बजे मुझे ही बताना है, तो मैंने 7 बजे उनको मैसेज किया कि मैं फिट हूँ इंशाल्लाह, दैट्स द वे टू गो, और ऐसे फिट हुए कि बस फिर बाकियों को बहुत सारा मैसेज किया। नो बॉल भाई, इसने मुझे स्टोरी सुनाई थी कि मैच से पहले मुझे एक दिन फीलिंग्स आ रही है, ख्वाब देखा मैंने कि मैं आउट हुआ और नो बॉल हो गई, और उसके बाद मैंने सेंचुरी कर दी, रियली सीरियस, फिर उसके बाद आंख खुल गई थी क्योंकि पूरा ख्वाब नहीं देखा ना, जो जिस तरह इस तरह मैंने बोला यार बाबा फकर जबान इधर बैठे हुए हैं, अपनी क्या हाल जानना है तो बाबा फकर जबान के पास आए, ये आपको बताएंगे क्या होता है। वसीम भाई, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्विक वन, वो ये था कि आप मुझे ये बताओ, कप्तान से तो मैंने पूछ रहे थे क्वेश्चन, वो भी आंसर कर सकता है, नींद किसको आई फाइनल से पहले, मुझे बहुत इजी थी, ठीक तरह आ गई, बिल्कुल तुझे पता लग गया था 11 में नहीं है, चांस पे था, ये चांस पे था, अच्छा अच्छा आमिर ने सब बताया है, हमने 12 की टीम अनाउंस कर दी थी प्लेयर्स, ही वाज इन 12, तुझे आई नहीं जी, आ गए आपको, मैं आपसे मुझे तो वीडियो ने टेबल दे दी उसमें नींद वाली मिली, तो उसके बाद से सोए नहीं है लोगों से ही, वसीम मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैंने बड़े शोज पे देखा है कि बहुत प्रेशर होता है, बहुत ये होता है, मतलब मैंने जो फील किया क्योंकि मैच से पहले मैंने इसे इंटरव्यू लिया था, मैं हम लोग तो बिल्कुल नॉर्मल थे, मतलब हम लोग सारे बैठे हुए बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई इस तरह कोई प्रेशर नहीं था कि, क्योंकि हमने जो उससे पहले मैचेस जीते हुए थे ना, बहुत ट्रस्ट था हमें, हमने कहा 200 भी कर लेंगे, चीज बहुत अच्छी थी कि हमने जो पहले मैच का प्रेशर था ना फाइनल में वो प्रेशर नहीं था हमारे ऊपर, लेकिन नींद का वो डिफरेंट है कि नींद नहीं आई, लेकिन वो जो प्रेशर था ना मैच का प्रेशर कि यार इंडिया से मैच है पता नहीं क्या होगा ये हार गया, वो चीज का प्रेशर से मात ने बात की ना, बिल्कुल सही कहा कि पूरी टीम के ऊपर वो प्रेशर नहीं था फाइनल का जो पहले मैच का, जो पहले मैच बिल्कुल, वो फर्क भी नजर आया हमें, लेकिन जितना प्रेशर इस कॉम पर था ना, यहाँ कोई नहीं सोया आप लोगों के मैच से पहले, और पहले मैच के बाद हम नहीं सोए, हम लड़ाया तो सोने नहीं दिया पहले मैच के बाद, ऐसे अटैक किए अपने, ओके लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चंस, सरफराज हमें बताएंगे, सरफराज आपने कहीं और नहीं देखना, आपने मुझे देखा है, ठीक है, आंखों में आंखें डालकर आपने मुझे देखा है, सरफराज आप कहीं नहीं देख सकते, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, शादाब ने किस कलर का कुर्ता पहना हुआ है अभी, ब्राउन, मुझे पता था नहीं बता सकते किस कलर का कुर्ता पहना, ओके ग्रेट यू लॉस्ट दिस राउंड, ठीक है, इमाद हसन की कितनी विकेट्स थी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी, 13, ग्रेट गुड, ये क्वेश्चन तो सबको पता है, फिर भी हमने चलो इमाद को थोड़ा, क्योंकि अगले गेम्स में ना बहुत बुरा होने वाला है इमाद के साथ, हमने कहा चलो इसमें थोड़ा आसान सवाल कर लेते हैं, रुमान शादाब की पीएसएल में कितनी विकेट्स थी, आई होप कि शादाब को खुद याद हो, 10, शादाब 9, चलो एक और विकेट ज्यादा, थैंक यू, थैंक यू रुमान, यू डिडंट लूज दिस गेम, सरफराज लॉस्ट दिस गेम बैडली, ओके फखर, आमिर की ओडीआईज में कितनी विकेट्स हैं, मुझे अपने चैंपियंस ट्रॉफी के रन का नहीं पता,
आप आमिर की विकेट कितनी विकेट है तो उन्हें तो अपने खैर नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ जी बस इसी तरह से ये हमारे यहाँ होता है, किसी को साथ में बैठे कुर्ते का कलर नहीं पता होता कि मेरे साथ जो लड़का बैठा है उसके कुर्ते का कलर क्या है, और किसी को ये नहीं पता होता कि आमिर की विकेट क्या है और मेरे अपने रन क्या है। लेकिन हमें पता है कि हमें लेनी है एक ब्रेक। बिल्कुल वसीम भाई आप ब्रेक लेंगे। या टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो अवे, देखते रहिए चैंपियंस के चैंपियन। वेलकम बैक टू चैंपियंस की ईद, और अब हमारा बहुत मजेदार गेम होने वाला है जिसका नाम है किसने क्या किया। So, इस गेम में हम आपको बताएं कि होने क्या वाला है। आप देख सकते हैं कि सबके हाथ में प्ले कार्ड्स हैं, इंक्लूडिंग वसीम भाई, सबके हाथ में प्ले कार्ड्स हैं। प्ले कार्ड्स में अब ये दिखाएंगे, शादाब के प्ले कार्ड्स पे क्या लिखा है। एक प्ले कार्ड पे लिखा है किसने मैंने किया, एक प्ले कार्ड पे लिखा है मैंने नहीं किया। तो हम कुछ इनसे सवाल पूछेंगे, इनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है जवाब देने का, सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है, फौरन से इन्होंने बताना कि मैंने ये काम किया या मैंने ये काम नहीं किया। और वसीम भाई इज पार्ट ऑफ दिस गेम, सो वसीम भाई भी बताएंगे कि इन्होंने काम किया या नहीं किया। अब जो मैं बोलूंगी आपने मेरे साथ वो रिपीट करना है सबने मिलके। okay. मैं वादा करता हूँ कि मैं इस गेम को सच्चाई से खेलूंगा और बिल्कुल कोई झूठ नहीं बोलूंगा।